भारत में बेरोजगारी दर फरवरी के महीने में और बढ़ गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए देखें। फरवरी के महीने में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.78% हो गया है। जनवरी में ये 7.16% था। फरवरी में जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी में बढ़ोतरी देखी गई है वो अक्टूबर 2019 से सबसे ज्यादा मानी जा रही है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये सीधी तरह दर्शाता है कि भारत में मंदी तेजी से बढ़ रही है। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 महीनों में जो जीडीपी रेट देखा गया है वो पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा कम था। इसी वजह से फरवरी में जो बेरोजगारी दर देखा गया है वो भी सबसे ज्यादा देखा गया है अक्टूबर के महीने से। अगर हम उन प्रदेशों की बात करें जहां पर इस वक्त बेरोजगारी सबसे ज्यादा है तो उसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और त्रिपुरा शामिल हैं, और जहां पर बेरोजगारी सबसे कम है वो है कर्नाटका और असम। अगर रूरल सेक्टर यानी कि ग्रामीण इलाकों की बात करी जाए तो फरवरी के महीने में वहां पर बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन अर्बन सेक्टर यानी कि शहरों में बेरोजगारी कम हुई फरवरी में। लेकिन दोनों को जोड़कर जब उनका एवरेज निकाला गया तो बेरोजगारी 7.78% पाई गई है। अब लोगों का ये मानना है और ज्यादातर विशेषज्ञों का कि कोरोना वायरस के खतरे के चलते हुए बेरोजगारी और बढ़ सकती है। ऐसा इस वजह से कि ग्लोबल मार्केट्स डाउन हो सकती हैं, यानी कि एक ग्लोबल मंदी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की आखिर की, तब देखा गया था कि कोरोना वायरस की वजह से नैस्डैक में भारी गिरावट आई थी, जिसके बाद भारत में भी सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा कमी देखी गई थी। हालांकि इस वक्त मंदी का माहौल है, लेकिन फरवरी में कुछ गुड न्यूज भी थी और वो गुड न्यूज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से थी, क्योंकि फरवरी के महीनों में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑर्डर्स थे। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ बढ़ोतरी देखी गई। ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि चीन में कोरोना वायरस के चलते इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में पिकअप हुआ। लेकिन ऑन द होल अगर देखा जाए तो फिर भी मंदी के आसार पूरे नजर आए। 2019 यानी कि साल के बीच में एक रिपोर्ट आई थी जिसने ये साफ बताया था कि ग्रामीण इलाकों में मंदी का ये हाल है कि लोग मामूली आइटम्स भी नहीं खरीद रहे हैं, जैसे कि कंघी, तेल, शैम्पू, जिसका असर सीधे इकोनॉमी पे भी पड़ता है, क्योंकि ये दर्शाता है लोगों की स्पेंडिंग पावर, जिसका सीधा निष्कर्ष ये निकाला जा रहा था कि लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही थी। इसको देखते हुए बजट 2020 में निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे लोगों की स्पेंडिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति बढ़े। ये कदम सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए नहीं लेकिन शहरी इलाकों के लिए भी उठाए गए हैं, और उनको उम्मीद है कि इससे ना केवल इकोनॉमी को सहारा मिलेगा लेकिन उससे बेरोजगारी पर भी सीधा असर पड़ेगा।